तो पुलवामा आतंकी हमले की गूंज विदेश मंत्रियों की बैठक में भी सुनाई दी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बीजिंग में हुई विदेश मंत्रियों की बैठक में भारतीय सेना की कार्रवाई की जानकारी दी। स्वराज ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की है, भारतीय सेना ने आतंकवादियों पर कार्रवाई करते हुए आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। भारत आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पुलवामा हमले के बाद हुई कार्रवाई इसका ताजा उदाहरण है। पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारतीय वायुसेना ने आतंकियों को खत्म कर पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बीजिंग में हुई विदेश मंत्रियों की बैठक में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई की जानकारी दी। सुषमा स्वराज ने कहा कि ये न तो सैन्य ऑपरेशन था और न ही इसमें पाकिस्तानी सेना के किसी ठिकाने को निशाना बनाया गया। इस हवाई हमले का मकसद पाकिस्तान की जमीन से चल रहे आतंकी संगठनों को खत्म करना था, जो भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की तैयारी कर रहे थे। Excellencies, together we can play a constructive role in addressing pressing issues of common concern and challenges facing our world. Terrorism tops the list of the existential threats that the world faces today. We are aware of the recent dastardly terrorist attack on our security forces in Pulwama, Jammu and Kashmir, perpetrated by Jaish-e-Mohammed, a Pakistan-based and supported terrorist organization prescribed by the United Nations and other countries. We lost more than 40 personnel from our Central Reserve Police Force, while several others are injured seriously. पाकिस्तान को बार बार आतंकी गतिविधियों के लिए चेतावनी दी गई थी, लेकिन पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। चेतावनी देने के बाद भी आज तक पाक की ओर से आतंकवाद पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। आतंकी संगठन भारत में अन्य हमलों को अंजाम देने की फिराक में था, लिहाजा भारत की ओर से कार्रवाई करते हुए आतंकियों का सफाया किया गया, ताकि किसी तरह का कोई और आतंकी हमला न हो सके। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद से देश भर में बदले की आग सुलग रही थी। Dastardly terrorist attacks are a grim reminder for the need for all the countries to show zero tolerance to terrorism and take decisive actions against it. Following the Pulwama terrorist attack, instead of taking seriously the calls by international community to act against Jaish-e-Mohammed and other terror groups based in Pakistan, Pakistan denied any knowledge of the attack and outrightly dismissed claims by Jaish-e-Mohammed. In the light of continuing refusal of Pakistan to acknowledge and act against terror groups on its territory, and based on credible information that Jaish-e-Mohammed was planning other attacks in its various parts of India, Government of India decided to take preemptive action. The largest and the target was selected in order to avoid civilian casualties. Excellencies, this was not a military operation. No military installations were targeted. भारत की ओर से कार्रवाई करते हुए आतंकियों के तीन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। वायुसेना की कार्रवाई में 350 से ज्यादा आतंकी मारे गए। बहरहाल कार्रवाई की पूरी जानकारी सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्रियों की बैठक में दी, ताकि आतंकवाद के खिलाफ विश्व मंच पर चर्चा हो सके और आतंकवाद की गतिविधियों को सहयोग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।